गाइस आप सब जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा एंड साई मंजरेकर. इनके लिए जोरदार तालियां. वो तो अब वक्त है फिल्म दबंग 3 से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म के मेन विलन को यहां पे इनवाइट करने का. सो प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर मिस्टर अरबाज खान, डायरेक्टर मिस्टर प्रभु देवा एंड वेरी स्टाइलिश एंड वेरी हैंडसम सुपरस्टार मिस्टर सुदीप किच्चा. वो अरबाज भाई, प्रभु सर और सुदीप सर के लिए जोरदार तालियां. See guys, you can see we have lots of superstars here. Sir, welcome. Thank you. Sir, I want to talk to you in English only. Do you have any problem? No, sir. No, but I have. Aye, sir. Sir, please, virajman ho jaiye. Sit, sit. Prabhu sir, first of all, I want to congratulate you. Prabhu sir ko isi saal Padma Shri se nawaza gaya, sir. Bahut bahut mubarak ho aapko. सर, अर्चना जी का एक सवाल है. बोली थी कि जिस इंसान को पद्मश्री मिलता है फिर भी उसके बाद आपको खुद डांस करना पड़ता है कि सरकार की तरफ से दो आदमी मिलते हैं. I got Salman sir this time. Two times. Dabang and Radhe. मुझे नचाए जा रहे हैं. फुल नचाए जा रहे हैं मुझे. सुदीप सर, यू आर लुकिंग सो हैंडसम इन द ट्रेलर. थैंक यू सर. सुदीप सर, आपको नहीं लगता कि आपके फैंस आपको कहेंगे कि हमने इतना प्यार दे के आपको हीरो बनाया, आप जाके बॉलीवुड में विलन बन गए? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे. वो बहुत खुश है. बहुत खुश है. हाँ, एक सही सुपरस्टार से मार खा रहा हूँ मैं. हाय, पहले मारे ही जा रहे, मारे ही जा रहे, मारे ही जा रहे. अच्छा, दबंग 2 के डायरेक्टर आप सबको बताया अरबाज भाई थे, दबंग 3 में जो है प्रभु सर इनको डायरेक्ट कर रहे हैं. तो सर, सलमान भाई छोटे भाई होने के नाते आपको ज्यादा रीटेक नहीं देते थे, आपकी सुनते नहीं थे, इसलिए आपको प्रभु सर को लेना पड़ा. व्हाट वाज द रीजन? कुछ ऐसे ही समझो आप. पहले दिन ना, जब दबंग 2 की शूटिंग पर, तो मैंने तो पूरा प्रेपरेशन करके स्टोरी बोर्डिंग वगैरह कुछ 40 शॉट करे थे. पहले दिन इन्होंने ना सारे जो शॉट्स मैंने लिखे थे, जो करने थे, वो सब कर दिए. दूसरे दिन आके मुझे बोलते हैं, इधर आ. बोला, यार अभी ऐसा नहीं करते, ये सीन को ऐसा करते, वैसा करते, इधर करते, शिफ्ट करते. मैंने बोला, यार मेरी सारी प्लानिंग, लाइटिंग वाइटिंग, ये वो कर लेंगे. उसके बाद मैंने बोला, आज का दिन अगर मैंने निकाल दिया शूटिंग के साथ, तो फिर बाकी की पूरी शूटिंग आराम से जाएगी. आई थिंक इट वाज गुड ट्रेनिंग वर्किंग विद हिम. इनको जब दबंग 3 हमने लॉन्च की, तो हिज फर्स्ट कंडीशन वाज, आई एम नॉट डायरेक्टिंग. अच्छा, टू फाइंड समबडी एल्स टू डायरेक्ट, आई कांट डायरेक्ट यू. अच्छा, आप सब जानते हैं कि जब दबंग पहली बार आई जब, तो उसमें सलमान भाई सिर्फ एक्टर थे. जब दबंग 2 आई तो उसमें सलमान भाई एक्टर और प्रोड्यूसर थे. अब दबंग 3 आई, इसमें एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं. दबंग 4 जब आएगी भाई, तो किसकी पोस्ट जाने वाली है? अच्छा सवाल पूछा. इसका जवाब ये है कि अभी कपिल शर्मा शो में प्रोड्यूसर मैं हूँ, अगले सीजन में कपिल शर्मा जाएगा. कपिल मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी साथ में जाओगे. नहीं, आप रहोगे. अब आपको तो रिप्लेस नहीं कर सकते हम ना. हाँ, हाँ, नहीं, इनको ये हाथापाई पे उतराएंगे. अरबाज भाई, मुन्ना बदनाम हुआ, वाह. क्या कमाल का गाना है भाई. किसका मुन्ना बदनाम होते देखा था आपने, जो आपको आइडिया आया? ये भी एक बहुत लंबी कहानी है. हम लोग सोचे थे आइटम गाना, क्योंकि मुन्नी के बाद फेविकॉल आया, फेविकॉल भी बहुत बड़ा हिट हुआ. तो थर्ड जब बन रही थी, तो ऑब्वियसली उसके लिए सॉन्ग होना बहुत जरूरी था. तो इनका मुझे एक दिन रात को 1:30 बजे फोन आया, कम हियर. आई सेड, नाउ? आई सेड, व्हाई, व्हाट हैपेंड? इसे मेरे पास मुन्नी का तोड़ है, वी गॉट द सॉन्ग. अच्छा. आई सेड, यार इस इज कम. तो मैं गया 1:30 बजे रात को. तो पहले तो आधा एक घंटा तो ऐसे ही घुमा फिरा के बातें बातें, पॉइंट पे आ ही नहीं रहे थे. बोलो, गाना कौन सा है? इसे मुन्नी बदनाम का गाना जो तोड़ है, वो है मुन्ना बदनाम हुआ. तो मैंने बोला, ये क्या है? दिस इज बस इसके ऊपर काम करते हैं. मैंने बोला, यार एक इतना बड़ा हिट गाना है, उसको हम रीमिक्स करेंगे, नया लाते ना कुछ. इसे ट्रस्ट मी, वी विल गेट दिस सॉन्ग, वील वर्क एट इट. आई सेड, अगर गाना अच्छा नहीं हुआ ना, तो सलमान, वी आर नॉट कीपिंग दिस सॉन्ग, दैट यू गारंटी मी. पर बड़े कमाल का भाई, बहुत चल रहा है गाना. अच्छा, आप सब जानते हैं प्रभु सर कितने अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, खुद इतने अच्छे डांसर हैं.
अरबाज भाई, आपने सिर्फ प्रभु सर से डायरेक्शन करवाई, कोरियोग्राफी करवा के पूरे पैसे वसूल किए आपने? अभी ही डिडंट वांट टू डू द कोरियोग्राफी, राइट? या तो जो इन्होंने गाने नहीं किए इनकी पिक्चरों में, और जो एक अच्छा अतरंगी जो स्टेप दिखते हैं, तो वो इन्होंने कोरियोग्राफ किए. ये तो होता है, क्या बात है. प्रभु सर, ऐसे कभी कोई कोरियोग्राफर कर रहा हो कि ये स्टेप है ये वाला, तो आपके सडनली दिमाग में आता करना होगा, इट्स लाइक इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होता है ना दिमाग में? आज ही हुआ है, आज ही हुआ है, आज ही हुआ है, बहुत होता है, आज ही हुआ है. आदमी क्रिएटिव आदमी रोक नहीं पाता ना अपने आप को. उस समय क्या करते प्रभु सर आप? नो, एज अ डायरेक्टर इफ ही वांट्स लाइक दैट आई विल गो एंड टेल इट. बट इनके लिए अगर किसी से होता नहीं है ना, तो सिर्फ पैंट में केकड़ा डाल देते अपना बात भी डांस करने लग जाते. You know, Sudeep, आप में और सलमान में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. कैसे? You know, आपने ये फिल्म की थी ना हुच्चा, तो सलमान ने उसी का रीमेक किया था हिंदी में, तेरे नाम है ना. देन पहलवानी पर आपने एक फिल्म की थी पहलवान, इन्होंने करी सुल्तान. फिर एक रियलिटी शो भी आप लोग दो अलग अलग लैंग्वेजेस में एंकर करते हैं. फिर सुदीप ने शादी की. अरे वाह, छा गई यार. पूछ लो कैसी जा रही है. सुदीप सर, एज ए ट्रू फ्रेंड, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू मिस्टर सलमान खान? सर, व्हाट डू यू वांट मी टू से सर? ये नथिंग सर, आप ही जवाब दे दो ना यार. आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है. मत करना भाई. आई मीन जोक्स अपार्ट, आई वाज जोकिंग. प्लीज गिन्नी, प्लीज माफ करना, इट्स माय जॉब. शादी के बाद सुन के एकदम प्यास. सुदीप सर, व्हाई फीलिंग थर्स्टी? एकदम से शादी की बात हुई, प्यास लग गई, मुंह होंठ सूख गए आपके. सर, बेटर टू फील थर्स्टी आफ्टर मैरिज सर. सलमान भाई, थोड़े दिन पहले ना साजिद नाडियाड वाला हमारे शो पे आए थे, उन्होंने कुछ कहा था आपके बारे में, आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज. साजिद भाई, एक बात हमने और सुनी, कहते आप और सलमान भाई दोनों ने कसम खाई थी कि सारी उम्र कवारे रहेंगे, फिर आपने शादी कर ली और सलमान भाई की हुई नहीं, ऐसे क्यों? ये हम लोग दोनों ने कसम तो खाई थी कुवारे रहेंगे जी. 1999 में कि यार शादी कर लेते. अच्छा, अभी उनको अटैक है? उनका, उनको अटैक है, तो लगा उनके पास तो लड़की थी, मुझे ढूंढना पड़ा. अच्छा, तो मैंने भी जाके अपनी ननियाल और मम्मी मम्मी को बोला कि ढूंढ लो, हम लोग शादी करें. बोले उनके डैडी है सलीम साहब, उनके 18 नवंबर को है, तो 18 नवंबर को कर लेते. अच्छा जी, तो डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई. कार्ड वार्ड चलेगा, एक छोटे से कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था. अच्छा, 6 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने बोला कि यार मेरा मूड नहीं है. सलमान भाई ने कहा, तो उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया. और फिर स्टेज पे आए, और स्टेज पे आके जब मेरी शादी हो रही थी, बोले पीछे गाड़ी खड़ी है, निकल. पर आप नहीं निकल पाए. उस वक्त नहीं निकल पाए और आज तक नहीं निकल पा रहे. आप जस्ट स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू. ये कान में यही बोले थे आपके. वन सेकंड, आप जस्ट स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू. ये स्टेज पे यही बोले कि पीछे गाड़ी खड़ी है, जम मार के निकल ले. और फिर टर्न करके भाभी को देख के बोले बहुत खुशी हुई शादी. हो गया, इतना पैसा में उतना ही होते. थैंक यू बाय, मिलेंगे रशिया में. हाय, कैसे आप लोग? अरे वाह, मालिक आ गए, प्रोड्यूसर आ गए. कैसे, क्या खर्चा किया है? देखो चकाचक आज प्रोड्यूसर है. तो आपको बताए तो खर्चा कुछ नहीं है, नदीम भाई ने अपने प्रोड्यूसर. इन्होंने 2 आदमी बुलवाए पता है बाहर से, और 2 आदमी बुलवा के गोरे गांव के सारे कुत्ते धुलवाए इन्होंने आज. सच्ची में बोले भाई की गाड़ी निकलेगी ना, कुत्ते भी चमकने चाहिए आज. बहुत अच्छा. आपको पता मैं भी उधर बैठ के कुत्ता धो रही थी, बहुत धोया मैं, देखा सफेद ही नहीं हो रहे. वो भड़क गया मेरे पे, बोलता मैं कुत्ता नहीं, मैं तो सुअर हूँ.
कैसे मजे कैसे ये बात बात पे बोलते हैं ना करके करके मैं उधर गया ना करके उधर गया ना कर क्या करके पहले बताओ क्या करके For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.